जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे और नवरात्रे चल रहे हैं, सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले, सबको प्यार मिले। तो आज मेरे बेटे ने बोला, मामा ये बॉक्स ऐसे ही पड़ा है, आप इसका कुछ बना दीजिए। तो वैसे तो ये कबाड़ी में चला जाता है, पर मैंने सोचा मेरे बेटे ने बोला है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैंने इस पे जो है कटिंग स्टार्ट कर दी और उसको बनाना शुरू कर दिया। तो बॉक्स तो मेरे पास था ही, साथ में मैंने एक ग्लू गन लिया और लिया साथ में वॉलपेपर। बस इन्हीं चीज़ों से फटाफट से मेरा बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। तो व्हाइट कलर का एक वॉलपेपर पड़ा हुआ था और ग्लू गन तो घर में सबकी होती ही है, तो बाहर से मुझे कुछ लाना नहीं पड़ा और फटाफट से मैं लग गई इसमें। पूरे 2 घंटे में मेरा जो है मंदिर बन करके तैयार हो गया। और यकीन मानिए, जब कुछ चीज़ें हम अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। और मंदिर के लिए, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो उसकी खुशी दुगुनी हो जाती है। तो मुझे भी कुछ ऐसी ही खुशी, ऐसी ही एक कहते ना फीलिंग आ रही है कि जैसे मैंने पता नहीं क्या बना दिया होगा। और ये लड़ी जो है फ्लावर की मेरे पास रखी थी, इसको भी मैंने इसके ऊपर से जो है डेकोरेट कर दिया, थोड़ी लड़ी लगा दी। और ये एक लोटस का फ्लावर था, वो भी मैंने रख दिया और बहुत खूबसूरत सा मंदिर मेरा जो है बन करके तैयार हो गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल, मेरे गुरु जो है, इनका नाम मैंने गुरु रखा हुआ है। तो इनका पहला जो है ये नवरात्रा है हमारे घर में। और देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, इनकी जो माला वगैरह इन्होंने पहनी है ये भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। यहाँ पे मैंने जलाया था दिया और मैं भूल गई थी, जब भी हम दिया जलाते हैं तो इसको खाली नहीं जलाना चाहिए, लौंग या फिर तिल या फिर चावल कुछ भी आप इसके अंदर ज़रूर डालें। तो मैंने यहाँ पर 2-3 दाने इसके अंदर डाल दिए चावल के। और बस इस तरीके से जो है मेरा मंदिर बन करके तैयार हो गया, पूजा भी हो गई। आपको कैसा लगा मेरा मंदिर का आइडिया, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जो भी चीज़ें घर में कुछ ना कुछ करती रहना चाहिए। तो मैं तो करती रहती हूँ, आप लोग करते रहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं, अब मिलेंगे फिर किसी दिन। यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना की है तो यहाँ पर मैंने ये रखे हुए हैं। और साथ ही साथ जो है नवरात्रि चल रहे हैं तो करते हैं जय माता दी। सभी का आशीर्वाद, सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और ये जो फ्लावर हैं, पूजा के पुराने फ्लावर हैं, इनको मैंने ऐसे ही ड्राई कर दिया है। इनका भी मैं कुछ चीज़ बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।